सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते।
कीर्तने महावज्र सहस्रनयन ज्वले पवित्र प्राण हरे चंद्र नारायणी नमस्ते शिवज्योति स्वरूपेण हतदित्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्ते दष्टकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमस्ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये शते पुरुषे सुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्ते मेधे सरस्वती वरे भूति ब्रह्मवितामसी नियते त्वं दशी देशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वहे व्यस्त्रायिणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते हे तत्ते वर्णम सौम्यम लोचनत्रय भूषितम् पातुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायणि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमद्रुग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् दातुनो भीते भद्रकाले नमोऽस्तुते हिणजीदुतेजासे स्वणेना पूरया जग साखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुरायः अस्राधिवसापङ्कचितस्य करज्ज्वलः शुभाय खर्गो भवतु चण्डके त्वां न दावय रोगाशेषान्नपहांसि तुष्ट हृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रिताणां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाशयतां प्रयान्ति एतद्विधं यत् करणं द्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् अरूपैरनेके बहुधा तमोदे कृत्वाम्बिके तत्त्वकरोति कन्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगाद्वदन्या मम त्वगर्ते महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्र प्रविशाच नाग यत्र रयोद सुवरानि यत्र दावानलो यत्र दधाति मध्ये तत्र स्थितत्व परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्राः देवी प्रसीद परिपालयनोरभीते नित्यं यथा सुरवथा दरुणेव सत्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं निराशो उत्पादपाकजनितां च मोगसर्गान् प्रणताणां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणि ते लोक्यवासिनामीठे लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगणां वरं जन्मन शश्वत तं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाजो सर्वाबाधा प्रशमन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्वव्ययविनाशनम् देव्योवाच वेवश्वतेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भस्येवाव्यापोत्पद्यते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ेष्यामे विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यधिरौद्रेण रूपेण पृथवीतले अवतीर्य हरिष्यामि व्यप्रचिन्ता सुदानव भक्षयन्ता सुतानुग्रां व्यप्रचिन्ता महासुर भक्तानन्दा भविष्यन्ति दाणमे कुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः सुबन्धो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका भूयश्च शतवार्षिक्या मना दृष्ट्या मनं भति मुनिभिः संसुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा तदहर्षदेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मणि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवेः
परिश्रामे सुरा शाके अवृष्टे प्राणधारके शाकम्भरे तिरिक्षाद्यं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वर्धिष्यामि दुर्गमाख्यां महासुरम् दुर्गा देवे तिरिक्षादं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले अरक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तदा मामुनयः सर्वे शौचं दानं तमूर्तयः भीमा देवे तिरिक्षादं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्य लोके महाबाधां गच्छति तदाहं भ्रमरं रूपं कृत्वा शङ्खशर्पदम् त्रैलोक्यस्य काथाय भविष्यामि महासुरम् भ्रामरेति च मां लोका सदा शोचन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतीर्याहं सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुह के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधे के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनके अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान शिखेण विशिखा चापं गुणतरणे बिभ्राणमनलात्मिक
मृगां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्यो वाच एम हि सर्वेषां नित्यं शौचदेहः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् महोकेटनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतद्भवहं शुम्भण शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोचन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोऽथ न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेशमयोजनम् शत्रुदोर्णाभयं दस्युतो वा न राजतः नाशस्रा न लतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहाव्यं पठेतव्यं समाहितेः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेण हित उपसर्गान् शेषान्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिभदोत्पादं नाहाम्यं शमये मम यत्रेतत्पठते सव्यं नित्यमायधने मम सदा नातर्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् मलयुदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चायं शाभ्यमेव च जानता जानता वापि बले भोजां तथा कृतम् प्रतिशिक्षामृतवर्ण्यहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियतेजा च वार्षिकी तस्यामैतन्बाहाद्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधाभिनयमुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहाद्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् हरिभवः संशयं याजे कल्याणं च भवद्यते नन्दते च कुलं वंसं माहात्म्यं मम शृण्वताम् चान्दिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु शोग्रासु माहात्म्यं श्रुया मम अवसर्गः शमं याजे गृहपीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं च निभिर्दिष्टं स्वस्वप्नामुपजायते बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घारभेदे चलिणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरम् अरक्षभूतविषादाणां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपे च गन्धदीपे तथोत्तमेः विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीये अहर्निशम् अन्ये च विविधे भोगे प्रधाने वत्सरेणया प्रीतिर्मे कृते सात्विन् सकृत्सोचरते शुदे शुदं हरति पापाणि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे शोचरतं जन्मे दुष्टदैत्यर्णिवर्हणम् तस्मै क्षुदे वैरीकृतं भयं भुंसां न जायते युष्माभिः सुतयो याश्च याश्च ब्रह्मभिः कृताः ब्रह्मणा कृता तासो प्रयच्छन्ति शुभामदीम् अरण्ये प्रान्तरे वापि तावाग्ने परिवारितः दस्युभिर्वापितः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा बणे वावणहस्यभिः राज्ञा क्रुद्धेण चाग्रतो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूलितो वा पादेन स्थितः बोधे महानवे पदसो चाविशस्येषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्जितोऽपि वा स्वरान्मे तर्जयतं नरमुच्येत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य भो वेरिणस्तः दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं नम हरिशिरोवाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्गाः स्वाधिकारां यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रविनिहतायः देत्याशु देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महोग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः
एवं भगवते देवी सानिध्या पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् ऐतन्मोहयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते राजाधिराज विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्यातं दयेत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाया महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसेवभक्तया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मे वृद्धे प्रदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तथा ददाति वित्तं पुत्रा शर्मति धर्मे गते शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेण चन्दे जापः शुभो भवे न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगृहतरं देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोर्णेव पार्वती मारणमोहनवशाटनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्ये कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं हौं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वलहं सल्लं शम्भण स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिणि नमः केणवहारिणे नमस्ते महिषादिणि नमस्ते शुम्भहन्त्रे जनिशुम्भासुरघातिणि जाग्रतमिहि महादेवे जपं सिद्धं दुरुष्यमे अहङ्कारे सृष्टिरूपाय हिङ्कारे प्रतिपादिका ऋङ्गारे कामरूपेण भेदरूपेण मातुते चामुण्डा चण्डघाते च यङ्कारे वरदायणे विद्यजाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धाथीं धूं धूयते पत्ने वां क्रीं क्रों वाग्रधीश्वरी क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां श्रीं श्रों मे शुभं करो हुं हुं हुङ्काररूपिणे जं 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 भराजने भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्गं चन्द्रं दं प्रं शं विन्दुम् ऐं विहं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोलय त्रोलय द्वेतं कुरु कुरु स्वाहा पां क्लीं भूं पार्वते पूर्ण कां क्लीं भ्रों खेजरे तथा सां क्लीं सों सप्तशते जभ्य मन्त्रसिद्धिं करोष्यमे इदं कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी ईणां सप्तशते पठे न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गापद्धरस्तक नमस्ते शरण्य शिवसानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापि विश्वरूपे नमस्ते जगवाद्यपादारविन्दे नमस्ते जगेना भयाकर्षभेता
Amen.
बचिया जत वेली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोरथ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए इस मां जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए मां भगवती का श्रवण करते हैं, मां भगवती स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जी भगवती जब प्रसन्न होती ही तो यज्ञ का वध होता ही, यज्ञ का कल्याण होता है। यज्ञ में सुख आता है, शांति आती है, सर्वत्र जो है मंगल मंगल होता ही, जो भगवती जब अनुकूल हो जाती है। इसलिए भक्तजन माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के करवत माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। तो हमारी जीवन यात्रा जो है जे ठीक प्रकार सुखपूर्वक चलती रहे, हमारी विघ्न बाधा दूर हो, हमारे घर परिवार में, हमारे गृहस्थ में जो है सुख शांति बनी रहे, इसके लिए जो है साधक जो है विशेष भगवान की साधना करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, इस मां भगवती का स्मरण करते हैं। ये सब जो है जिस सत्कर्म करने से ही मनुष्य को जो है सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब जब भगवती प्रसन्न होती है तो उन शरणन भक्तों को ये सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है, और जिन भक्तों को भगवती कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनके जीवन पहली बात तो कभी को कष्ट आते नहीं, कभी को दुख आते नहीं, और कभी को कष्ट आ भी जाए, दुख आ भी जाए, तो उनका पता नहीं चलता कि वह दुख वह कष्ट आए कैसे और चले कैसे गए। क्योंकि वह साधक जन जो है, वह भक्त जन जो है सदा सर्वदा अपने इष्ट पर सच्ची श्रद्धा पूर्ण विश्वास रखते हैं, वह उन्हीं से प्रार्थना करते हैं और वही जो है उनके कष्ट को दूर करते हैं। क्योंकि साधना में, भक्ति में
बड़े कष्ट आते हैं। ये भक्ति ये साधना को इतनी आसान नहीं है। ध्रुव ने भगवान की भक्ति की तो उसके जीवन में कष्ट आए, भक्ति इतनी आसान नहीं है। पर लाद के जीवन में किस प्रकार से उन्होंने भक्ति भगवान का साक्षात्कार किया, कितने कष्ट सहे, परंतु अपने इष्ट पर विश्वास था, सच्ची श्रद्धा थी, भगवान है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद को जो है पहाड़ से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, जहां बड़े बड़े अजगर सांप थे वहां पर डाला गया, अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया गया, होली का उसकी बुआ जो है वह इस प्रकार से अग्नि जलाकर उसे अपनी गोदी में लेकर बैठ गई, होली का जल गया, क्योंकि उससे तो वरदान था, अग्नि उसको जला नहीं सकती थी, परंतु विपरीत हुआ, होली का जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए जब देव अनुकूल होते हैं तो असंभव संभव हो जाता है, जब देव अनुकूल नहीं होते तब संभव भी जो है असंभव हो जाता है। इसलिए उन देवी देवताओं का अनुकूल करने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए एकमात्र जो है इस महाभगवती आदि शक्ति की देवी देवताओं का साधना है, आराधना है, जप है, पाठ है, जी सत्कर्मी जो है इससे मनुष्य जो परम कल्याण को प्राप्त होता है। इस धर्म में मैं आपको कथा सुना रहा हूं, जी सनातन धर्म के कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें व्यक्ति जो है मनुष्य जो है यदि अपने जीवन उतारता है तो उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, कष्ट चाहे कितने क्यों ना आए, परंतु उनका धैर्य जो है कभी टूटता नहीं, और प्रत्येक कार्य में प्रत्येक क्षेत्र में जो है सफल होते हैं, कहीं असफल भी नहीं होते। कहते हैं कि देवऋषि नारद जी भगवान के नाम का गुणगान करते हुए राजा युधिष्ठिर के पास आए। राजा युधिष्ठिर के पास जब आए तो राजा युधिष्ठिर आप सभी जानते बड़े धर्मशील राजा हुए, ये धर्म के अवतार थे। उन्होंने ऋषि का मान सम्मान किया, आदर की आसन दिया, बिठाया, उनकी पूजा की, प्रणाम किया, उसके बाद वार्तालाप हुआ तो देवश्री नारद जी जो हैं वे महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, मनुष्य को जो ही उस परमेश्वर का जो है निर्दुख नारायण का जो है महाप्रसाद जो है महा अमृत यदि पाना हो तो सनातन धर्म के कुछ ऐसे निजों का जो है वह आचरण में उसे लाना चाहिए, उसका आचरण जो उसे करना चाहिए, ऐसा करने पर जो है साधारण व्यक्ति भी जो है बस परम पिता परमात्मा का साक्षात कर सकते हैं, उस परम सुख को जो है वह प्राप्त कर सकते हैं, स्वभाव जो है वह सत्य स्वभाव ईश्वर को जो है वह पा सकते हैं, उस पिता परमात्मा का जो है वह साक्षात्कार कर सकते हैं। जिस सनातन धर्म के कुछ ऐसे सूत्र हैं, यदि उन निजों का वह पालन करता है तो व्यक्ति के जीवन में जब ऐसे निजम आते हैं और निजमों को वह ठीक प्रकार से पालन करता है, कभी गौण से विचलित नहीं होता है, तो यकीन मानिए सिद्धि उनके करतल होती है, सब प्रकार सिद्धि उनके हाथ में होती है, वह जो भी चिंतन करते हैं उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। देवश्री नारद जी कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि अपने वचन में जो है झूठ कपट छल इसका वह त्याग कर दे, जीवन में कभी जो है किसी के साथ छल कपट न करे, कभी झूठ न बोले, सत्य बोले, सत्यम भद्र, सत्य के मार्ग पर चले, ऐसा निज बना ले चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे झूठ का सहारा लेना ही नहीं, कभी झूठ बोलना नहीं, सत्य बोलना है। एक निज में यदि व्यक्ति ले लेता है, ये धर्म के लक्षण है सनातन धर्म के, एक निज में यदि जीवन में ले लेता है व्यक्ति, उसी से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने ऐसे निजम लिए और जिनकी कीर्ति जिनका यश जिनका मान सम्मान आज भी अटल बना हुआ है। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने ऐसा संकल्प किया था, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, जो वचन दिए से करते, राजा रघु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे राजा हुए, भले प्राण चले जाए परंतु जो वचन दिए हैं
उसका निभाना, उसको पूरा करना है। ऐसे राजे महाराजे हुए। इसी धरातल पर जो है जिन नेजू का पालन किया और आज उनका मान सम्मान, उनका यश, उनकी कीर्ति अटल है। और ऐसे जो नेजू का पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में, उनके चरित्र में कभी कोई काला धब्बा नहीं लगता, क्योंकि उन पर विशेष देव कृपा, देव देवता की कृपा होती है, देव देवता का आशीर्वाद होता है, संतों का आशीर्वाद होता है। जैसे को मैं बतला रहा हूँ कि देवर्षि नारद जी भगवान के नाम का गुणगान करते हुए जब राजयुधिष्ठिर के पास आए तो राजयुधिष्ठिर जी खड़े हो गए अपने आसन से और उनका सम्मान की, आदर किया है, चरण धोए, पूजा की, बिठाया है। और फिर वार्तालाप हुआ और देवर्षि नारद जी कहते हैं कि पहला वचन जो है वह क्या है कि जीवन में कभी झूठ मत बोले, सत्य मार्ग पर चले, कभी किसी के साथ छल कपट जो है इसका त्याग कर दें, सत्य वचन बोले। दूसरा जो है अपने स्वभाव में जो है दया का भाव रखें, दया का प्रवेश जो है ये करें। दया जो है सभी धर्मों का मूल है, दया सभी धर्मों का मूल है। कोई भी धर्म जो है, किसी भी धर्म में आप चले जाइए, कोई धर्म जो कभी ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलिए, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप चोरी कीजिए, कोई भी धर्म ये नहीं कहता आप हिंसा कीजिए। कौन धर्म है जो ये कहेगा कि ऐसे बुरे कर्म कीजिए, दूसरों को मारिए, काटिए, बुरा कीजिए, चोरी कीजिए? कोई धर्म ऐसा ज्ञान नहीं देता। धर्म जो है अच्छे मार्ग पर ही ले जाता है। धर्म यही कहता है कि सत्य बोलिए, हिंसा का मार्ग मत अपनाइए, कभी शलकपट मत कीजिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, अपने हृदय में हमेशा दया का भाव रखिए। तो दया का प्रवेश कराइए अपने स्वभाव में। आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? दया से ओतप्रोत। ऐसा स्वभाव हो तो जीवन कभी कष्ट, कभी दुख नहीं आते। इस प्रकार से कहते हैं दया सभी धर्मों का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल और ईमान। तुलसी दया ना छाड़ी जब तक घट में प्राण। जब तक आपके श्वास है, इस शरीर में श्वास है, तब तक जो है ये दया ये मत छोड़िए। इस प्रकार से जिसका स्वभाव जो दयामय है उसके जीवन कभी को कष्ट आ भी जाए तो भी विपत्ति उन कष्ट का पता नहीं चलता, क्योंकि देव देवता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। जैसे क्या थे, उनने धर्म का त्याग किया नहीं। आप देखिए युधिष्ठिर के जीवन में भगवान उनके साथ साथ चलते रहे, समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे। तो देवता जो है उनके साथ रहते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देवर्षि नारद जी कहते हैं कि चलते फिरते देखो कि जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो हैं, अथवा कोई भी प्राणी जो है आपसे कोई कष्टवान न हो, कोई कष्ट न भोगे, कोई दुखी ना हो जाए, कोई जीव जो है, कोई भी जीव जो है किसी प्रकार का जो है कीट से लेकर के, कहते हैं ब्रह्म पर्यंत जो है किसी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सबका आदर कीजिए। जो दूसरों का आदर करता है उसका स्वयं अपने आप आदर होता है संसार में। जो दूसरों को मान सम्मान नहीं देखता तो अपना स्वयं का भी उसका मान सम्मान नहीं होता। इसलिए कहा है कोई भी आपसे कोई दुख ना पाए, कष्ट ना पाए। और इस प्रकार से ऐसे वचन जो है जहां तक कहा है कि आपकी वाणी जो है किसी को जो है चुभने वाली ना हो, उससे कोई व्यंग ना हो, कोई शब्द बोलने दूसरे को बुरा लगे ऐसा ना बोलने, और जो आपका व्यवहार जो है वह इस प्रकार से हो दूसरे आपके व्यवहार से जो है प्रभावित हो। सीखे जो है आप चलते हो तो आपका इस प्रकार से धरती पर हम चलते हैं, देखते हैं कि अगर परिवार में बच्चा जो रूठ जाता है, भोजन उसकी मर्जी का बना नहीं, जहाँ किसी वस्तु की वह मांग करता है, मुझे ये वस्तु चाहिए, तो माता पिता दे नहीं सकते, क्या करता है वह बच्चा? क्रोध में आता है। क्रोध में आकर करता क्या है? पैर पड़ता नीचे पृथ्वी पर। पृथ्वी जो माँ है, इस माँ का हमेशा आदर करें, प्यार से चले इसके ऊपर। घर परिवार में जो है कोई छोटी सी बात होती है तो व्यक्ति क्रोध में आता है, पांव नीचे पड़कता है, दीवार पे हाथ मारता है,
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, ऐसा मत करें। बड़े प्रेम से जो है, और कभी इस प्रकार से क्रोध ना करें, अपना व्यवहार जो है इस प्रकार से रखें, कभी किसी को बुरा ना लगे, इस प्रकार से धरती पर अपने पैर जो है पछाड़ते हुए ना चले, जोर जोर से बड़े जो है प्रेम से बोलना है तो तीखी आवाज में नहीं, बड़ी शांति से। घर परिवार में यदि आप शांति चाहते हैं तो ये एक निजम बना लें, बड़ी शांति से जो है कोई बात कहनी है बड़े ऊंचे शब्दों में नहीं, बड़े धैर्य से, और इस प्रकार से कहें कहीं किसी को वह शब्द चुभे ना, कभी कोई गलती करता भी है उसको भी ऐसे समझाएं, उसे पता भी चले जहां पर मेरी गलती हुई है और उसको बुरा भी नहीं लगे मुझे ऐसा उसने कह दिया, और वह मन में ऐसा विचार आ जाए कि मुझे इस बात का जो है जो जहां पर मेरी त्रुटि हुई है मुझे इसका सुधार करना चाहिए। ऐसा जब परिवार में होते हैं तो घर परिवार में कभी क्लेश नहीं होते, कभी कला नहीं होती है, और ऐसे घर में सुख और शांति होती है, वहीं पर आत्म शांति होती है। नहीं तो क्या होता, क्लेश होता है, कला होता है, दिन भर व्यक्ति जो सोचता रहता है कि प्रातःकाल मुझे उसने ऐसा कह दिया था, क्यों कहा, वही बात रिपीट होती है, वही दुख का कारण होते हैं, उसी से व्यक्ति चिंतित रहता है और उसी से कई प्रकार की व्याधि जो है घेर लेती है। जब व्यक्ति जब बार बार चिंतन करता है छोटी सी बात को लेकर के, वही जो है क्या होता है, वो उसका दिन भर चिंतन करता रहता है, शांति से बैठ नहीं पाता, ठीक से भोजन नहीं कर पाता, और रात को जब सोता है तो नींद ठीक से नहीं आती, जब नींद नहीं आती है तो धीरे धीरे क्या होता है, बीपी हाई होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, एक नहीं अनेक बीमारियां जाकर घेर लेती हैं। फिर जो है दौड़ो डॉक्टर के पास, वो कहता है कि ये मत करो वो मत करो, परंतु जब हम ऐसे निजम बना लेते हैं, शास्त्र विहित कर्म करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, इस प्रकार की परेशानी आती नहीं है। तो इसलिए जो कहा है कि कोमलता से चलिए, बड़े प्रेम से बोलिए, और इस प्रकार तीखी बात से मत बोलिए, जे वाणी जो है आपकी बिल्कुल जो है ऐसी होनी चाहिए किसी को चुभने वाली नहीं। तो ये तप जो जब बतलाया गया है ये वाणी का तप है, काया का तप भी है। इसी प्रकार से कहा है कि वाणी जो है तीखी ना हो, और जो है कोई चीज जो है आप लेते हैं उसको जोर से पटकनानी चाहिए, किसी ने कुछ दिया आपको पसंद नहीं है तो फेंक दिया, धैर्य से आराम से रखिए, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, माँ ने रोटी दी आपको पसंद नहीं आई है तो थाली नहीं पटक देनी है, ये अनादर है, अन्न का अनादर है, माँ का अनादर है। तो इसलिए जिस जिस घर में ऐसा होता है उस घर में क्लेश रहते हैं, दुख रहते हैं, कई प्रकार की बीमारियां आकर घेर लेती हैं, वहां पर आत्म शांति आत्म सुख नहीं होता है। ये कुछ ऐसी बातें जो देवश्री नारद जी बतला रहे हैं, किस प्रकार से व्यक्ति को बोलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसे जो दूसरों के साथ बात करनी चाहिए, और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह कहते हैं तीसरा जो है, उन्होंने कहा है कि तब जो है, तब अर्थात अपना कर्तव्य और धर्म का जो है जो पालन कंठता से जीव है करके जो है जीना, कभी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कितने कष्ट विपत्ति क्यों ना आ जाए धर्म का त्याग मत कीजिए, कितनी कठिनाई क्यों ना आ जाए इसलिए अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करना। ये बताने की जरूरत नहीं होती परिवार में, पत्नी कहती है पति से कि तुम्हारा तो ये कर्तव्य था पत्नी के प्रति, आप तो ऐसा करते नहीं, पति कहता है पत्नी से कि तुम्हारा पति के प्रति ये कर्तव्य है आप ऐसा करते नहीं। तो देखिए किसी को समझाने की बताने की जरूरत नहीं होती, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करें, पति अपने कर्तव्य का पालन करें, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करें, पिता अपने कर्तव्य का पालन करें, तो कहने की आवश्यकता नहीं। रामायण पढ़िए उसमें देखिए पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, माँ का क्या कर्तव्य है, और सभी जब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, क्योंकि भाई भाई का क्या कर्तव्य है, भाई भाई की पूजा होती है। इस प्रकार जब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म का त्याग नहीं करते, तो कभी क्लेश कभी कला जीवन में आ ही नहीं सकती।
जैसे सूत्र जो है सनातन धर्म में दिए गए हैं, यदि व्यक्ति जो है उन्हें अपने जीवन में उतारता है, अपने स्वभाव में उनको डालता है, वैसा स्वभाव बनाता है, तो कोई कष्ट क्लेश होता ही नहीं है। ये तीसरी बात उन्होंने इस प्रकार से यह देवऋषि बतलाते हुए कह रहे हैं कि वाणी का तप होता है, वाणी पर नियंत्रण रखे इसका भी तप होता है। बिना मतलब के मत बोलिए, सार युक्त बोलिए। जे वाणी का तप है, शरीर का तप होता है, मन का तप होता है, अपने जीवन में जो है तप हो, अपने जीवन तप जी तपस्या होनी चाहिए, तप हो। इस प्रकार से चौथी बात कहते हैं कायिक वाचिक व मानसिक जो है यह शुद्धि जो है सोच पवित्रता जो होनी चाहिए। कायिक काया जिस शरीर की पवित्रता बतलाई गई है, शरीर जो आप स्नान करते हैं ठीक प्रकार से व्यक्ति को साफ सुथरा रहना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जो है स्नान करें, फिर जो है अपने देवी देवतों का ध्यान करें, स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, जोत जगाएं, माँ की आरती करें, और जो है इस प्रकार से फिर जो है अपने जो आपकी दिनचर्या जो भी कार्य हैं उन कार्यों का अपने कर्तव्य का पालन करें। एक निजम जब अपने व्यक्ति बना लेते हैं उसी निजम से सिद्धि प्राप्त होती है। प्रातःकाल जब उठना ही लेट है, आप 11 बजे 12 बजे उठेंगे, कब ध्यान करेंगे, कब स्नान होगा, कब ध्यान होगा। मध्यान्ह का समय जो होता है ये पितरों का होता है, दोपहर 12 बजे का समय जो पितरों का समय होता है, उस समय पितरों को जो है जल दिए जाते हैं, उनको प्रसन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से उससे पूर्व देव देवताओं का समय होता है, और फिर 4 बजे के उपरांत जो है भूत प्रेतों का समय होता है। जे समय निर्धारित जो किए गए हैं शास्त्र में, इस प्रकार कब क्या करना है, जब हम उस तरह से चलते हैं तो फिर जीवन कष्ट कैसे कभी नहीं। एक तो इससे निरोगी जीवन मिलता है। प्रातःकाल सूर्य से पहले जो जागने वाला है, सूर्य उदय होने से पहले जो नहा लेता है, स्नान कर लेता है, उसको पहली बात यह है कि वह निरोगी जीवन जीता है, रोगों से मुक्त रहता है। भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देता है, तो उससे क्योंकि भगवान सूर्य जो है जो बुद्धि के देवता है, गायत्री मंत्र की उपासना करता है तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है, उसकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है, उसकी बुद्धि जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं करेगी। जो गायत्री माता की उपासना करता है, भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देता है, उसकी बुद्धि प्रखर होती है, भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है, और कभी उनको चर्म लोक चमड़ी का रोग जो कभी नहीं होता। जिस साधना के फल जो बतलाए गए हैं, इसका शरीर से स्नान जो है, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर से बिल्कुल शुद्ध रहें, पवित्र रहें, और फिर जो है वाणी से जप करके शुद्धि होती है। वाणी के द्वारा भगवान का आपका जो इष्ट देव है उसका जप करें, नाम जप करना। अभी आपने जो है मंत्र पाठ किया, स्तोत्र का पाठ किया, जो वाणी की शुद्धि है। जहाँ बैठ करके जो आपने स्तोत्र पाठ किया, घर में आप जो है मंत्र जप करते हैं, जहाँ जो दीक्षा मंत्र आप गुरुदेव ने जो मंत्र दिए है उसका जप करते हैं, जब कोई मंत्र लेकर प्रातःकाल जो है जब घान के नाम का आप गुणगान करते हैं, उससे वाणी की शुद्धि होती है, वाणी पवित्र होती है, वाणी की पवित्रता है। शरीर की शुद्धि स्नान से, और वाणी की शुद्धि भगवान के नाम जप से। और फिर जो है जो मन जो है, मन की शुद्धि कैसे बतलाई है, स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, मन से भगवती का स्मरण करना। तो इस प्रकार से जब मन की शुद्धि है, मन पवित्र है, कि जब भगवती का स्मरण करते हैं, देव देवताओं का स्मरण करते हैं, मन पवित्र होते हैं, विचार पवित्र होते हैं, बुद्धि पवित्र होती है, और ऐसा करने से फिर जीवन पवित्र हो जाता है। जे विधान है, जे देवश्री नारद जी बतलाते हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार से पांचवा जो है बतलाते हैं, अपने जीवन जो है सहिष्णुता जो है जी, इसका गुण जो विकसित करना। कभी जरा जरा छोटी छोटी बात पर जो है आग बुलानी हो जाना, धैर्य रखना। घर परिवार में कष्ट आता, विपत्ति आती, देखिए सारा जीवन जो है एक जैसा नहीं रहता। आप कहेंगे आप पहले तो आपका बचपन था, अभी आप देखिए पिछले पूर्ण करके आज आप 20 साल के हैं, 30 के हैं, 50 के हैं, 80 के हैं, 90 के हैं, और आज आपकी स्थिति क्या है। सिर के बाल पक चुके हैं, दांत जो है गिर रहे हैं, चलने में असमर्थ हो रहे हैं, सुनने में असमर्थ हो रहे हैं, ये सारा परिवर्तन है। जीवन में हर जो है सारा समय एक जैसा नहीं रहता। आप कहेंगे हम धनवान ही रहेंगे, जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं दैवी जो है अधोगति को प्राप्त हो जाए, कब जो है धन चला जाए। लक्ष्मी जो है ये चंचल, हमें कल बतला रहा था, लक्ष्मी हमेशा जो है एक स्थान पर नहीं रहती। और कहा है कि जब जब अनुकूलता हो माँ भगवती की,
कृपा हो जाए और सर्वत्र जो है आपके जीवन वृद्धि सिद्धि है। परिवार अच्छा है, अनुकूल है, सभी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, धन संपत्ति की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, जो है व्यापार की कमी नहीं है, सब ओर से अनुकूलता है, तो उस समय का सदुपयोग कीजिए, खूब से अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, दीन दुखी सेवा कीजिए, देवालय बनवाइए, मंदिरों में सेवा कीजिए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, क्योंकि आपके पास जब धन संपत्ति आई है, यदि उस समय आपका उसका सदुपयोग कर सकते हैं, वह कब चली जाए इसका पता नहीं। इसलिए जब जीवन है, आप ज्ञानवान हैं, तो अपना ज्ञान जो है दूसरों को बांटिए। ऐसा निजम ले लीजिए कि प्रतिदिन मुझे आधा घंटा एक घंटा छोटे छोटे बच्चों को बुला करके अपना ज्ञान जो है, जो भी जिस सब्जेक्ट में आप हैं, आपको मैथ गणित आता है आप वह बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपको अंग्रेजी आंग्ल भाषा आती है वह उसको आप उनका ज्ञान दीजिए, आपको दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनका आपको ज्ञान है, जिस सब्जेक्ट का ज्ञान है आप अपने छोटे बच्चे जो हैं उनको सिखाइए निःशुल्क। विद्या दान जो है ये सबसे बड़ा दान बतलाया, श्रेष्ठ दान जो है। ऐसा नहीं बना ले मुझे आधा घंटा एक घंटा जो है ये सत्कर्म करना है। जरूरी नहीं होती है कि आप जो जे करके मेरे पास पैसा होगा तो उसी से मैं सत्कर्म कर सकता हूँ। आपके पास जो कुछ भी है, जो तन परमात्मा ने दिए है, इससे मंदिर में जाकर आप आधा घंटा एक जीवन निज बना लेते हैं। सायंकाल को जाकर के मैंने आधा घंटा मंदिर में सेवा करी, झाड़ू पोछा करना है, ये भी सेवा है। तो इसलिए जीवन कभी कुछ विपत्ति आ जाए तो जरा जरा छोटी छोटी बातें घर में भी परिवार में भी जो है आग बोला नहीं होना है, धैर्य रखना है। सासू माँ ने बहू से कुछ कहा तो बहू जो है थोड़ा धैर्य रखे, जिठानी ने देवरानी को कुछ कह दिया है तो देवरानी जो है वह थोड़ा धैर्य रखे, ननंद ने भाभी से कुछ कह दिया है तो भाभी थोड़ा धैर्य रख ले, तो घर में क्लेश नहीं होगा। और यदि एक ने एक बात कही दूसरी ने डेढ़ कह दी, फिर बात उल्टी हुई तो तीन होगी, तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है। कहते हैं रहीमन जिब्बा भावरे कह गए का अस्पताल, कहकर तो भीतर गई जूते खाए कपाल। होता क्या परिवार में, एक ने एक बात कही दूसरे ने तीन कह दी और मुड़ करके उसने छह कह दी, वह बात बढ़ती बढ़ती जो है जूतों तक आ जाती है, मुष्टा मुष्टी होती है, एक दूसरे को मारे, किसी के बाल खींचे नोच लिए और किसी ने थप्पड़ मार दिए, क्लेश पैदा हुआ, हम तो यहां पर रहेंगे नहीं। जैसे क्लेश पैदा होता है, जे देवश्री नारायण जी जो है सनातन धर्म का जो मूल मंत्र जो है जो बतलाते हुए कह रहे हैं, धैर्य जीवन में धैर्य रखें, धीरे जो है ये सबका मित्र होता है। आप थोड़ी देर धैर्य रख लिया, बाद में आप सोचेंगे जो बात हुई बात तो कुछ भी नहीं थी, बात तो कुछ भी नहीं थी, और विवाद इतना बड़ा हो गया। यदि आप धैर्य रखेंगे तो विवाद नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो, धीरे सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। इस प्रकार से जब व्यक्ति जो अपने जीवन धैर्य ध्यान करते हैं उसके जीवन कभी कष्ट कोई क्लेश नहीं होते, कभी किसी को उलझने नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है, घर परिवार बिल्कुल सुख शांति चलता है, बार कभी किसी प्रकार क्लेश नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार जो उपदेश देते हुए देवश्री नारी जी जो हैं, जय महाराज जोशी से कहते हैं, यदि जीवन जीना है तो ऐसे जियो, ये सनातन धर्म के जो सूत्र हैं इसे अपने जीवन उतारोगे तो जीवन में परिवार में कभी क्लेश नहीं आएंगे। आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार कितने धैर्यवान थे, कुछ भी हुआ सब कुछ चला गया, राज्य भी चला गया, वन में जाना पड़ा, परंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और सब कुछ वापस फिर आया लौट करके। इसलिए वहीं पर शांति होती जो धैर्य रखते हैं। तो जो भक्त जन इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी जगत माता के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, जे माँ उन भक्तों को इस प्रकार का ज्ञान देती है, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, और जिन भक्तों को माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनकी जीवन कभी अमंगल नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक काम करती है, कभी कोई गलत निर्णय नहीं करती।
इस जगजन्य जगत माता की आप पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रही, इन तीनों देवियों की और ये तीनों माता जो हैं महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जो दिव्य गुहा के अंदर माँ अधिशक्ति तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान हैं, वह तीनों शक्ति तीनों माता जो हैं हृदय से आपको वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों की सभी मनोवलक्षित कामना पूर्ण हो और आपके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो। बोले सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री विजय कुमार जी से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शिरोवली जी का माँ, इतनी सी अरदास है मेरी, हे मैया पूरी कर दो, शरण में अपनी लेकर मुझको, हाथ मेरे सर पर धर दो। मैं तो मांगू प्यार तेरा माँ, बस यही दन मुझको दे दो, बस यही दन मुझको दे दो। माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए। ताले सभी हाथ खोल कर डेली ताले नहीं, ताले के बाद माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। जैसा दूजा कोई जग में नमीत है, आके जैसा दूजा कोई जग में नमीत है, एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची माँ, एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, ओ सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, माँ ये प्यार तेरा बार बार चाहिए, ओ माँ सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, सच्चा ये प्यार तेरा बार बार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, ओ बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, दुनिया
दुनिया की दौलतों से महंगा माता प्यार है, दुनिया की दौलतों से महंगा माता प्यार है, ओ दुनिया की दौलतों से महंगा माता प्यार है, दुनिया की दौलतों से महंगा माता प्यार है, ओ दिल का करार दिल बेकरार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, इस दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, इस दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, ओ दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, ओ सपना हमारा होना साकार चाहिए, सपना हमारा होना साकार चाहिए, ओ मां सपना हमारा होना साकार चाहिए, सपना हमारा होना साकार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं, जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं, ओ जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं, जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं, हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊं मैं, हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊं मैं, ओ हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊं मैं, हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊं मैं, ओ भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, ओ भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, ओ माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार तेरा प्यार तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, ओ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ
जयकारा शेरों वाली जी का दरबार की जय। जयकार शेरों वाली बोल सच्चे दरबार की जय। तू दाता त्रैलो विमान त्रैलो तेरा दर छोड़ के रे दर जा तेरा दर छोड़ के रे दर जा तू दाता त्रैलो विमान तू दाता त्रैलो विमान तुझको ब्रह्मा दे आवे ब्रह्मा दे आवे वेद पढ़न को ब्रह्मा दे आवे वेद पढ़न को प्रथमे तुझको ब्रह्मा दे आवे प्रथमे तुझको ब्रह्मा दे आवे ब्रह्मा दे आवे वेद पढ़न को ब्रह्मा दे आवे वेद पढ़न को ब्रह्मा दे आवे वेद पढ़न को माको दीना वेद पढ़ा तू दाता त्रैलो विमान तू दाता त्रैलो द्वितीय तुझको विष्णु ध्यावे विष्णु ध्यावे राज करण को विष्णु ध्यावे राज करण को द्वितीय तुझको विष्णु ध्यावे द्वितीय तुझको विष्णु ध्यावे विष्णु ध्यावे राज करण को विष्णु ध्यावे राज करण को विष्णु ध्यावे राज करण को तृतीय तुझको शंभु ध्यावे तृतीय तुझको शंभु ध्यावे शंभु ध्यावे योग करण को शंभु ध्यावे योग करण को तृतीय तुझको शंभु ध्यावे तृतीय तुझको शंभु ध्यावे शंभु ध्यावे योग करण को शंभु ध्यावे योग करण को शंभु ध्यावे योग करण को तारे युग ध्यावे द्वापर त्रेता सतयुग काल युग द्वापर त्रेता सतयुग काल युग चौथे चारे युग ध्यावे चौथे चारे युग ध्यावे द्वापर त्रेता सतयुग काल युग द्वापर त्रेता सतयुग काल युग द्वापर त्रेता सतयुग काल युग भक्ता दे भंडार भरा तुझको ध्यानु ध्यावे पंज में तुझको ध्यानु ध्यावे ध्यानु ध्यावे भजन करण को ध्यानु ध्यावे भजन करण को पंज में तुझको ध्यानु ध्यावे पंज में तुझको ध्यानु ध्यावे ध्यानु ध्यावे भजन करण माँ ध्यानु ध्यावे भजन करण को ध्यानु ध्यावे भजन करण को तेरा दर छोड़ के रे दर जा तेरा दर छोड़ के रे दर जा तू दाता त्रैलो विमान तू दाता त्रैलो विमान तू दाता त्रैलो विमान तू दाता त्रैलो विमान तू दाता त्रैलो जयकार शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी अगली प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकार शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।
माँ लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया ओ लगन लगिया लगन लगन लगिया लगन लगिया ओ लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਅੰਬੇ ਪੋਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਓ ਅੰਬੇ ਪੋਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਅੰਬੇ ਪੋਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਓ ਪਾਸੀ ਗਈ ਮਰੋ ਮਰੋ ਮਈ ਕੋ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਬਸ ਗਈ ਮਰੋ ਮਰੋ ਮਈ ਕੋ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਓ ਅੰਬੇ ਪੋਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਬਸੀ ਗਈ ਮਾਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਈਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਈਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਓ ਚਰਨਾ ਚਰਣਾ ਸਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਤੀਏ ਚਰਨਾ ਚਰਣਾ ਸਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਤੀਏ ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਤੀਏ ਪਾਗਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਤੀਏ ਓ ਚਰਨਾ ਚਰਣਾ ਸਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਤੀਏ ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਤੀਏ ਭਵਨਾ ਦੀ ਭਵਨਾ ਦੀ ਭਵਨਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂਦੀ ਮਈਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਭਵਨਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂਦੀ ਮਈਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਓ ਤੈਨੂੰ ਵਾਂਗੂਣ ਤੇਰਾ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਂਗੂਣ ਅੱਡਣਾ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਅੱਡਣਾ ਓ ਤੈਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਸਿਮਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਅੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਦੀ ਮਈਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਈਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਈਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਓ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਈਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਈਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਨਾਗਰ ਰਤਨ ਬਸ ਦੇਹਲ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੇਤ੍ਰ ਤ੍ਰਯੋਦਵਸਦ ਮਾਲਾ ਕੁੰਭ ਕਪਾਲ ਨੀਰਜ ਕਰ ਚੰਦ੍ਰਾਰਧ ਚੋੜ ਪਰ ਸਰਵਜੇਸ਼ਵਰ ਭੈਰਵਾਂਕਣ ਲਿਆ ਪਦਮਾਵਤ ਚੰਤ
जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मां भगवती की असी मनोकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में मां के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में मां के चरणों में बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और मां वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रहें, अपना आशीर्वाद आपको देती रहें। माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नतशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव शर्मांजसस्वे भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्णे दाने कणस्थो भव तेजस्वी भव व्यारिगर्भदलने व्यापारदक्षे भव श्रीशंबरपादपुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थसफला सन्तु पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्तु शरीरवर्चस आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर भोला ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे मैया जय श्यामा गौरी मैया जय ओम जय अम्बे गौरी।
मैया जोन कभी जहरे माता तेरी सदा ही जय मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सद्बुद्धि वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ विभूत की पूजा करके आपके सामने इस गुहाद्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ विभूति से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, मल बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सत्य गंग जय माता दी, जय माता दी, विद्या गंग जय माता दी, ज्ञान गंग जय माता दी, भक्त जय माता दी, सफल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय जय नखली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे,
भक्ति जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मान से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के बोलना। ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि द्विजो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन महाभगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती गणन लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय तुम्हारा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश आनंद आनंद करो, कल्याणी कल्याण मैया कर चौसठ घड़ी, जो चरणा भगवान जय। Thank you.
सर्गं चक्रगदेशु तापमलिकां चोलंब शुंडिं शिलाखंगं संदरदिं करिष्णेना सर्वाल्यभूषाभिदां नेला श्मद्यदिमात्सपाददशकां सेवे महाकाल्यकां जामर्तो सविदे हरो कमलजो हन्तुं मधुकेतवं अक्षासर्पर्षं गलेशुकुलिशं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमचिन्मचर्मजलजं घण्टासुरावाचलं शूलं पाशुदर्शने चलति हस्ते प्रसन्नारणां सेवे देवमहर्गणीमयवान् लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलादशङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अच्छादीर्घकिङ्करान्दविलसीतासदयापमां गौरे देवसमुद्भवां जगता आधारभूता महापूर्वा पत्रसरस्वती शुम्भादिदेत्यायिनी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या जनम् त्वमेव त्वमेव सर्वं महदेव देव शान्ताकारं भुजविशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिरज्ञानभङ्गं वन्दे विश्वं सर्वलोके प्रदातं रक्षितं केशवं रामनारायणं वासुदेवं श्रीधरं माधवं दत्तकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे मुरारे मुखे दुलारे गोविन्द गोपाल मार्गं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमः सुरे सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचकूला रामी माता तेरी सदा सर्वदा बला करण वाली माता तेरी सदा कार्य संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा कुलच का मात करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा पीठा तेरी सदा बोले सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव गुरु बाबा श्री जय की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय हो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शरण वाली दा बोलिए।